जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा करना होगा, शुभ करना पड़ेगा। इसी पर एक भजन से मैं प्रारंभ करता हूं। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे सब कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे। जग में है कौन भला का इम्तिहान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोएंगे सो काटेंगे, मिर्ची का बीज अगर बोए बदले में धान नहीं होगा। दर्शन उस विश्वविधाता के होंगे तो इसी दिल में होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा जीवन में शोधा चरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंखें बंद, पथिक तो इंसान का जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान ही होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। और शुभ करने के लिए, अच्छा करने के लिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए एक माध्यम है उपवास। उपवास का मतलब होता है निकट बैठना, निकट वास करना और परमात्मा के निकट बैठना। जितना होगा उतना हम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। हमारे शरीर के उपचार के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पंच महाभूतों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इसी में एक तत्व है आकाश। आकाश मतलब कि खाली जगह। तो शरीर में आकाश मतलब खाली जगह बनाया जाता है उपवास के द्वारा। उपवास तीन तरह
तरह के प्रायः होते हैं। एक तो उपवास जिसको बोला जाता है, उपवास का मतलब है कि सिर्फ जल पीकर रहना, कुछ नहीं खाना। कितनी देर करना है? दिन भर करना है, 12 घंटे करना है, 24 घंटे का करना है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक का करना है। वो अपने माने विवेक पर निर्भर करता है, अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो इसमें एक चीज होता है कि जल पर ही रहना होता है, तभी उसको हम बोलते हैं उपवास। कुछ लोग करते हैं कि फल खा करके, फलों का रस पी करके, मट्ठा पी करके रहते हैं, उपवास करते हैं। वो भी उपवास है, अर्ध उपवास उसको बोलते हैं, उसके भी फायदे हैं। लेकिन उपवास जो वाकई में होता है वो जलाहार, मतलब केवल जल का आहार लेते हुए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि निर्जला उपवास करते हैं, तो निर्जला उपवास बहुत ही खतरनाक चीज है। गलती से भी कदापि निर्जला उपवास ना करें। उपवास करने का मुख्य उद्देश्य होता है पेट की सफाई, हमारे अंदर के पाचन तंत्र को सुदृढ़ करना, सुचारू करना। तो उपवास काल में जल पीने से, जल के कारण ही हमारे अंदर के विकार जो है निकलते हैं, पसीना के माध्यम से, पैखाना पेशाब के माध्यम से, श्वास प्रश्वास जो बराबर लेते हैं, प्रश्वास प्रश्वास मतलब सांस जो छोड़ते हैं, उससे भी हमारे शरीर के विकार निकलते हैं। अगर उपवास करेंगे और जल भी ना पिएंगे, निर्जला उपवास करेंगे, तो विकार नहीं निकल पाएगा, फिर उस उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो तीसरा एक उपवास होता है अंतरालीय उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब है कि जिस शाम में 5-6 बजे खा लिया, खाना जो भी खाते हैं, फिर सुबह में 9-10-11 बजे खाइए, तो बीच में 15-17 घंटे का उपवास हो जाता है। बीच में तरल पदार्थ ही लेना है, पानी ले या दूध ले, रात में अगर दूध लेते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, अंतरालीय उपवास। तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है। अर्ध उपवास, फलाहार जला माने फलाहार रसाहार इस सब पर रहना अर्ध उपवास है, और सिर्फ पानी पर रहना ये मुख्य उपवास है। तो इसमें ध्यान रखना होता है, सब लोग आंख मूंद करके उपवास करने ना लगे। जैसे गर्भवती महिला कोई है, दूध पिलाने वाली माता जो है, कोई शरीर से बहुत कमजोर है, कोई बच्चा है, कोई अशक्त है, उसको उपवास नहीं करना है। उपवास मतलब सिर्फ जल पर रहना। किसी फल पर रह गए, किसी रस पर रह गए, जैसे हम लोग नवरात्रा में करते हैं या और किसी में करते हैं, वो ठीक है। लेकिन उपवास सिर्फ जल पर रह करके इन लोगों को, गर्भवती महिला को, दूध पिलाने वाली माता को, अशक्त आदमी को, और हार्ट वगैरह का जो गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त हैं उनको नहीं करना है। उनके लिए अर्ध उपवास, अंतरालीय उपवास करना अच्छा है। फिर है कि उपवास से होता मुख्य क्या है। एक ऐसा प्रचलन है कि कितने दिन का उपवास किया जाए, तो एक दिन का उपवास मतलब 24 घंटे का उपवास करने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। सुबह से लेकर के कल सुबह तक का उपवास अगर करते हैं तो बीच बीच में जल लेते रहें। और उपवास करना बहुत आसान है बनिस्पत की उपवास तोड़ने के। उपवास तोड़े कैसे? तो
जितने घंटे का रखा है 24 घंटे या 12 घंटे का, प्रायः ऐसे 24 घंटे का रखने का उपवास का मतलब होता है। तो आज उपवास किए, आज सुबह से शुरू किए थे, कल सुबह में तोड़ने के लिए संतरा का रस, मौसमी का रस, उसमें भी आधा पानी मिला करके, और कोई फलों का रस, सब्जियों का रस, सब्जियों का सूप, ये लेकर के सुबह में उपवास को तोड़ना है। फिर दोपहर के भोजन में अर्ध आहार लेना है, जैसे चार रोटी अगर मेरा खुराक है तो उसको दो रोटी लेना है, उसके साथ दही मट्ठा सलाद ले सकते हैं। फिर शाम में सामान्य आहार जो प्रायः लेते हैं वो लेना है। तो एक दिन का उपवास करने पर उपवास इस तरह तोड़ा जाता है। उपवास करने के बाद तुरंत ठोस आहार नहीं लेना है, सुबह में तरल आहार, दोपहर में अर्ध आहार, चार रोटी अगर खाते हैं तो दो रोटी, और शाम में सामान्य आहार जितना में बराबर खाते हैं। तो इस तरह से तोड़ते हैं उपवास। तोड़ने के लिए एक दिन का उपवास तोड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर एक दिन से ज्यादा का उपवास करना है किसी बीमारी के भगाने के लिए और किसी ये से, तो किसी सफल चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक के निर्देशन में करना है। क्योंकि उपवास के दौरान क्या होता है, ज्यादा लगातार लंबा जब करते हैं तो कई तरह के उपद्रव सामने आते हैं, रोग को भगाने के लिए कुछ उपद्रव आते हैं, तो किसी के निर्देशन में रहने से उसका समाधान मिलता जाता है। और इससे क्या क्या फायदे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय, पचने की क्रिया जो है, पाचन प्रणाली का कार्य जो है बहुत सुचारू रूप से चलता है। होता क्या है कि मेटाबॉलिज्म ठीक रहने से, हमारे पाचन तंत्र ठीक रहने से हमारा जो है पाचन जो भी खाते हैं सही रहता है। फिर इससे कैंसर तक के रोगों में इससे लाभ पहुंचता है। कैंसर के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उपवास काल के दौरान मरने लगते हैं। एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हुए हैं वाल्टर लोंगो, उनका शोध के बाद उन्होंने बतलाया अगर सिर्फ कीमोथेरेपी लेते हैं तो एक भी, अभी तक का अनुभव है उनके शोध के अंतराल का, कि एक भी व्यक्ति नहीं बचे, सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। और उपवास के साथ कम कैलोरी का आहार लिए तो 40% उनको लाभ मिला। अल्प आहार, अल्प कैलोरी का आहार और कीमोथेरेपी 20% का लाभ हुआ। तो सिर्फ कीमोथेरेपी लेने से कोई लाभ अंततोगत्वा उनके शोध के दौरान नहीं पाया गया, और उपवास को जोड़ दिया गया और कम कैलोरी का आहार जोड़ दिया गया, कीमोथेरेपी को जोड़ दिया गया, तो 40% लाभ हुआ। और कम कैलोरी का आहार और कीमोथेरेपी में 20% का लाभ। कहने का मतलब कि उपवास को ही जोड़ देने से दूना लाभ हो जाता है, ये वाल्टर लोंगो का शोध का परिणाम आया था सामने। तो हमारे शरीर के रोगों के लिए अपने रोगों के अनुसार उपवास का अंतराल चुना जाता है प्राकृतिक चिकित्सकों के द्वारा। योग ग्राम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज बतलाते हैं कि योगग्राम में अभी तक अभी एक साल पहले या दो साल पहले 50 दिन का उपवास एक व्यक्ति से करवाया गया, उसके पहले तक 40 दिन का उपवास माने अधिकतम करवाया गया था। उनकी गंभीर ऐसी बीमारी थी और उसके बाद पाया गया कि वो स्वस्थ हो गए। अब उपवास के बाद होता है कि भूख, उपवास से भूख हमारी लौटती है, भूख लौटने के बाद ही खाने का होता है। अगर उपवास के बाद भूख लगने लगे तब खा लेना जरूरी है, उसके बाद अगर नहीं खाएंगे तो भूखमरी की एक स्थिति आती है, उसके बाद खाएंगे नहीं तो बहुत गंभीर परिणाम उसके होते हैं। तो उपवास करें, उपवास से डरे नहीं, उपवास को करना है स्वस्थ रहने के लिए। खाली अपने को विश्राम नहीं देना है, पेट को भी विश्राम देना है, पाचन तंत्र को विश्राम देना है ताकि सुचारू ढंग से काम कर सके। और भी बहुत से वैज्ञानिकों का शोध बतलाता है कि इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, इससे हमारा दिमागी ताकत बढ़ने लगती है, इससे हमारा तन मन स्वस्थ होकर के बलशाली होकर के आत्मा को भी शुद्ध करने लगता है। तो इस तरह का ये उपवास हमारा जो है रोजमर्रा की जिंदगी में करने का जरूरत है। एक डॉक्टर का कहना है, विदेशी डॉक्टर का, कि जितना हम खाते हैं आम आदमी मतलब जितना खाते हैं उसका आधा से उसका पेट भरता है खाने वाले का, और आधा से डॉक्टर का पेट भरता है। हम लोग प्रायः देखते हैं कि गैस, कब्ज, खट्टी डकार आदि की शिकायत लोगों से मिलती है, तो इसका मुख्य कारण एक ही है, ज्यादा खा लेना, बार बार खा लेना, खाया हुआ बिना पचे फिर खा लेना, ये सब का मुख्य कारण यही है। और इसका निचोड़ यही है कि पेट को विश्राम नहीं दे पाते। जैसे मैं काम करता चला जाऊं करता चला जाऊं, काम देने वाला देता चला जाए, विश्राम का मौका नहीं दे, तो काम किस तरह का होगा ये समझा जा सकता है। तो पेट को भी विश्राम देना है, आकाश तत्व को समझते हुए, खाली जगह को समझते हुए। उपवास काल के दौरान क्या होती है कि हमारी ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा, शरीर से विकार को बाहर निकालने में काम आता है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं खाएंगे तो काम कैसे होगा, तो जो नहीं खाते हैं उपवास काल में तो शरीर की ऊर्जा जो है हमारे विकारों को बाहर निकालने में लग जाती है, ऊर्जा व्यर्थ बर्बाद नहीं होती है। फिर ऐसा होता है कि उपवास करते करते कभी कभी बीच में रहा नहीं जाता है, लगता है कि अब खा लें, तो उस बीच में अगर पूर्ण उपवास पर है तो जल ले लिया करें, और अर्ध उपवास पर है तब तो फलों का रस, सब्जियों का रस ले लिया करें, फल ले लिया करें। लेकिन उपवास करते हुए जल भी ना लें ये गलत है, बहुत भयंकर परिणाम होंगे। और उपवास करते करते जो है हम लोग उसकी महत्ता को समझ में, शुरू शुरू किसी का निर्देशन में करने से अच्छा होता है। ऐसे लोग करते हैं कि उपवास करते हैं उसके बाद गरिष्ठ चीज, कड़ी चीजें, ठोस आहार ले लेते हैं। प्रायः जैसे देखा जाता है अस्पताल के सूत्रों से भी कभी कभी सामने दैनिक
जीवन में पाया जाता है, सुनने को मिलता है कि कुछ महिलाएं उपवास रखती हैं और कल सुबह होकर यहां आकर के हम लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं। तो पेट को विश्राम दे रहे थे और उसके बाद एकाएक गरिष्ठ चीज, भारी चीज डाल दिए, तो ऐसा करने से हमारी दिक्कत उल्टी हो जाती है और बढ़ जाती है। उपवास किया जाता है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, लेकिन उपवास करने के बाद अगर गरिष्ठ चीज खाते हैं, ठोस आहार खा लेते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य और खराब हो जाता है, बीमारी आने लगती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि उपवास करने से ज्यादा ध्यान रखना है कि तोड़ते समय, उपवास तोड़ने के समय सावधानी नहीं रखने से ऐसा देखा जाता है कि गंभीर से गंभीरतम बीमारी भी धर लेता है। तो उपवास से हम लोगों को डरना नहीं है, उपवास को करना है। उपवास के नाम से घबरा जाते हैं कुछ लोग। हाँ, बीच बीच में जलाहार लेना है। जल को लेने का एक चीज है कि एक बार में ज्यादा पानी नहीं ले लेना है, एक एक घंटे में एक एक गिलास। वो तो जल लेने का ऐसे भी है कि बिना उपवास के काल में भी खाना एक बार खाना है, पानी कई बार पीना है। अगर दो गिलास पीते हैं एक खाना के बदले, तो दो गिलास को दो बार में पीना है। एक ही बार गटागट पी गए दो गिलास पानी, तो पेट पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे अंतः ग्रंथियों की परेशानी बढ़ जाती है। तो पानी कई बार पीना है, जितना खुराक है, खाना एक बार खाना है। तो उपवास काल के दौरान भी एक बार पानी ज्यादा ना पिए, एक एक घंटा के अंतराल पर एक एक गिलास पानी पिए। फिर है कि उपवास के दौरान करें क्या, कोई भारी काम ना करें, यथासंभव शरीर को मन को विश्राम दे। केवल पेट को ही विश्राम नहीं देना है, शरीर को और मन को भी विश्राम देना है। परमात्मा के तरफ ध्यान लगाना है, उसी के तरफ या सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान रखना है। यथासंभव उस दौरान मौन रहना है। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है जो कि हमें परमात्मा से प्रदान होता है। मन को इधर उधर भगा करके मन को बेचैन नहीं करते रहना है। फिर जितने भी संकल्प, अच्छे संकल्प परमात्मा की को साक्षी मांग करके करते करने से आते हैं। मन में बुरे विचार ना आए, उसके लिए ध्यान और प्रभु उपासना आवश्यक है। तो उपवास काल के दौरान जितना संभव हो अधिक से अधिक विश्राम करें, शरीर के तल पर भी और मन के तल पर भी परमात्मा का स्मरण करते रहें, तो इस उपवास का ज्यादा लाभ होगा। बाकी कोई काम करते करते उपवास करना, कठिन काम करते करते उपवास करना, वो हानिकारक होता है, वैसा कदापि नहीं करना है। फिर एक चीज आती है कि उपवास काल में ये सब होता कैसे है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में निरंतर प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, विकार निकलने का, पैखाना पेशाब पसीना ये सब से निकलते रहती है। तो उसमें हमारे अंदर के कोशिकाओं की टूट फूट होते रहती है, जिसको कि कैटाबोलिज्म बोलते हैं इस प्रक्रिया को। फिर कैटाबोलिज्म में ठीक रहता है, फिर क्या होता है जब उपवास करते हैं या सकारात्मक सोचते हैं, तो निर्माण होता है उन कोशिकाओं का, अंगों का, उसको एनाबोलिज्म बोलते हैं। अगर ये दोनों ठीक है तो मेरा मेटाबोलिज्म ठीक है। मेटाबोलिज्म ठीक है मतलब कि हमारे पाचन
प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है, तो इसके लिए उपवास अत्यावश्यक है। इस पर स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ मन अगर रहता है तो आत्मा भी विशुद्ध होती है, परमात्मा के तरफ सकारात्मक कार्यों के प्रति ध्यान जाता है। तो इसका संकल्प लेकर के करना है। संकल्प में एक चीज होता है कि संकल्प में विकल्प नहीं होता, अल्टरनेटिव इसमें नहीं है। अगर सोच लिया कि फलाना चीज करना है, जो भी सोचना है करने के पहले सोच लेना, करना है नहीं करना है, कितना करना है, वो उपवास हो या और कोई भी चीज, उसमें ऐसा नहीं है कि उपवास करने लगे दो घंटे के बाद लगाई तो भूख बर्दाश्त नहीं होगा, लाओ खा लो, तो वो सब सोच के पहले ही निर्णय लेना है। ऐसे तो किसी भी काम में है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या करना है नहीं करना है, कहां से मदद मिलेगी, इस सब के लिए जो भी सोचना है पहले सोच लेना है, कार्यारंभ करने के बाद करना है। ऐसा नहीं है कि शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत आएगी तो छोड़ देंगे या दूसरा रास्ता अपना लेंगे, तो उससे अच्छा है कि नहीं करना। और नहीं करना शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वस्थ रहने उपवास बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत ही आवश्यक है। जो लोग उपवास नहीं करते हैं उनकी पाचन तंत्र जो है उतना बढ़िया से नहीं करता है काम जैसा कि उपवास करता का करता है। किसी वैज्ञानिक का कहना है कि जो महीने में कम से कम एक बार उपवास करते हैं उनकी क्षमता बढ़ जाती है, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आत्मिक क्षमता बढ़ जाती है। और जो एक दूसरे वैज्ञानिक का कहना है कि जो सप्ताह में दो बार उपवास कर लेते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो लंबा जीवन जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं। राम राज्य के समय में ऐसा हम लोग को पढ़ने को सुनने को मिला है, राम राज्य में आम आदमी को मतलब आम आदमी तक को उपवास का महत्व ज्ञात था और वे उपवास करते थे। यही कारण था कि रामराज्य के समय कोई भी आम आदमी भी, आम नागरिक भी, किसी भी स्तर से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक स्तर पर बीमार नहीं होते थे। हम लोग तुलसी दास जी का कुछ पंक्ति तो सब लोग जानते हैं, रामराज्य नहीं काहुई व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। शारीरिक मानसिक किसी तरह की जो है ताप दुख जो है उस समय किन्हीं को नहीं व्यापता था, तो उसका मुख्य कारण एक यह भी था, वो उपवास का महत्व को जानते समझते थे और उपवास करते थे। तो हम लोग इसके महत्व को जानते हुए इस पर गौर करेंगे, निर्णय करेंगे और अपने तन मन आत्मा को स्वस्थ रखेंगे, फिर जो है स्वस्थ रहने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। फिर अंत में एक भजन के माध्यम से मैं विराम दूंगा। एक मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यत भद्रम तन आसुवा। इसका मुख्य भावार्थ है कि हे प्रभु, हमारे में से जो भी बुराइयां हैं, जो भी बीमारियां हैं उनको दूर करें, और जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितने तरह स्वास्थ्य हैं वो मेरे को प्राप्त कराइए। कारण क्या होता है कि एक बीमारी व्यक्ति को दरवाजे पर खड़ा कर देता है, घर के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। किसी को अगर गंभीर बीमारी हुई तो इतना आर्थिक मानसिक स्तर पर वो टूट जाता है कि दरवाजे पर खड़ा होना मतलब कि बेहाल हो जाता है। अगर एक व्यक्ति में कोई गंभीर बुराई है
तो कहा जाता है कि आदमी को रोड पर लाके खड़ा कर देता है। रोड पर लाकर खड़ा कर देना मतलब कि उसको कोई अगर एक भी गंभीर बीमारी बुराई है तो लोग उसको महत्व नहीं देते। तो इसी पर एक भजन है कि बुराइयों को हमें अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए। लगे पेड़ों में फल जो ही झुकी सब स्वर्ग को पाकर के इतराना नहीं चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, मगर दूत कार कर याचक को लौटाना चाहिए। कोई याचक आ गया, भिखमंगा आ गया, तो अगर दे सकते हैं तो दे, नहीं तो उसको माने दुत्कारना नहीं है, डांटना नहीं है। तो इसी पर है, कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, जहां स्वागत नहीं होता वहां जाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहां देखें वहां जाने से शर्माए, कहीं सत संग होता हो तो शर्माना चाहिए। पड़ा भट्टी में जब सोना पथिक वो बन गया कुंदन, प्रभु जब कष्ट देता हो तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे पाना नहीं चाहिए। मीठा जहर इसलिए बोला गया है कि इसका असर व्यक्ति को पता नहीं चलता है, इसीलिए। तो इति ओम शांति शांति शांति।